नववर्ष पर स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता दीदियों का पूरे 60 वार्डों में सम्मान किया गया। दुर्ग महापौर व सभापति ने भी स्वच्छता दीदियों का सम्मान किया। स्वच्छ भारत मिशन के तहत आम जनता की सहभागिता सुनिश्चित करने दुर्ग नगर निगम ने अनूठी पहल की है, जिसके तहत निगम महापौर धीरज बाकलीवाल ने नववर्ष के पहले दिन स्वच्छता दीदियों को फूल भेंट कर सम्मानित करने की अपील की, जिसके तहत शनिवार को साल के पहले दिन निगम महापौर धीरज बाकलीवाल व सभापति राजेश यादव सहित अन्य पार्षदों ने अपने वार्ड पर स्वच्छता दीदियों का सम्मान किया। नववर्ष के पहले दिन शहर की जनता अपने घर कचरा कलेक्शन के लिए पहुंचने वाली स्वच्छता दीदियों का पुष्प भेंट कर सम्मान किया। गौरतलब है कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 को लेकर दुर्ग नगर निगम द्वारा विभिन्न आयोजनों के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, और इसी के तहत ही जन आंदोलन के तहत स्वच्छता दीदियों के सम्मान और पुरस्कार वितरण का आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से न सिर्फ स्वच्छता दीदियों का सम्मान किया गया बल्कि उनका उत्साह वर्धन भी किया गया। इस संबंध में महापौर धीरज बाकलीवाल ने ग्रैंड एशियन न्यूज के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया दी। सभी वार्डों में जनता के द्वारा, जनप्रतिनिधियों के द्वारा स्वच्छता दीदी को फूल देके, कोई श्रीफल देके सम्मान किया गया, क्योंकि हम सब ने ये मन बना लिया था कि जो शहर को स्वच्छ रखने के लिए साल भर मेहनत करती है, उन दीदियों को हम लोग सम्मान दें। जान जोखिम में डाल के वो लोग डोर टू डोर कलेक्शन करते हैं, तो उनका सम्मान आज हम लोग सब नए साल के अवसर पर हमारे जितने पार्षद साथी हैं, जो शहर की जनता है, सभी ने उनको फूल देके और श्रीफल देके सम्मान किया। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।